कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हम लोग आए हैं आज पन्ना, जिला पन्ना, जो छतरपुर से 50-60 किलोमीटर दूर है, और हम आपको आज दर्शन कराने जा रहे हैं जुगल किशोर महाराज के, जो पन्ना में एक विशेष जगह है। सामने जैसे कि आपको दिख पा रहा है गाइस, ये जुगल किशोर हैं, और हमें अंदर भी जाएंगे और आपको सारा जो है दर्शन कराएंगे यहाँ के। तो गाइस, हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और आ चुके हैं हम लोग। किशोरी जी, पेड़े भी ले लिए हैं ऐसा। तो गाइस, हमने शनि महाराज के यहाँ से ले लिए हैं पेड़े। आप लोग भी आइए और इनके यहाँ से लीजिए। बिल्कुल मंदिर के द्वार पे इनका शॉप है, जय राधे। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। तो गाइस, हम लोग मेन गेट पे थे, अभी अंदर आ चुके हैं और सामने दिख रहा है किशोरी जी का मंदिर। आप लोग अंदर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे इस मंदिर। ये मंदिर जो मध्य प्रदेश के पन्ना में है, पन्ना जिले में है, और बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, और इनकी जो दाढ़ी है यानी कि चिन्ह, उस पर डायमंड यानी कि हीरा जड़ा हुआ है गाइस, तो जो कि पन्ना में बहुत फेमस है, इसी लोग देखने के लिए लोग आते हैं। ये देखिए गाइस, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो छोटा सा गेट आपको दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो दूर एक मूर्ति दिख रही होगी आपको, एकदम छोटी सी जो मूर्ति दिख रही है आपको सामने, ये कहते हैं कि असली मूर्ति है, और जो ऊपर यानी पुरानी मूर्ति है काफ़ी, और यहाँ पे लोग आते हैं, इसको देखते हैं, ये मैन है, इसी पे दर्शन करते हैं वो लोग, और उसमें जो डायमंड है वो असली है, उसी में लगा हुआ है। बट ये मूर्ति प्राचीन काल की है, पुरानी है। तो गाइस, आप लोग भी आइए और देखिए उस छोटे गेट में, वो आप आँख डालना पड़ेगा आपको, तब दिखेगी वो। गाइस, हम आए हैं आज बहुत दूर आप लोगों के लिए, तो हमारे ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिस तरह हो सकता है। आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा ऐसे ही बहुत सारी जगह। मेरा गला थोड़ा बैठा है गाइस, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ आप लोगों के लिए, बना रहा हूँ ब्लॉग। तो पंडित जी, आपसे हम बात करेंगे कि आरती कितने बजे होती है और कब कब ये द्वार खुलते हैं भगवान के? आरती 12 बजे होती है। तो 12 बजे आरती होती है, और फिर 3 बजे होती है। अच्छा, 3 बजे यहाँ पे पहले भोग लग जाता है, फिर 5 बजे खुलता है जी, 5 मिनट के लिए। अच्छा, 7 बजे खुलता है, 10 मिनट के लिए। ऐसा वक्त है जहाँ भक्त आ सके, दर्शन कर सके पूरा, मतलब 2-3 घंटे की वो क्या टाइम रहता है? वो रहता है 12 से 3। 12 से 3 सीधा, उसके बाद प्रसाद लगेगा और फिर शाम को खुलेगा। शाम को प्रसाद, ठीक है। राधे हूँ मैं जहाँ।
तो गाइस, तो गाइस 3 बजे यहाँ पर थाल चढ़ता है पूरा। आप तो गाइस जैसे आपको अपना प्रसाद चढ़वाना है, थाल चढ़वाना है, तो 200 रुपये इसका चार्ज होता है। आप अपना जो है यहाँ आके चढ़ा सकते हैं। आप तो वो बटता है, वो जो जितने भक्तगण हैं वो आते हैं, उस प्रसाद को प्राप्त करते हैं। राधे 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 राधे। यहाँ छोटे छोटे मंदिर है गाइस, छोटे छोटे मंदिर देखने के लिए मिल जाते हैं। हनुमान जी का, देवी जी का, कृष्ण जी का छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं, मुगल किशोर के मंदिर की, यहाँ की बनावट की, पूरा येलो और ऑरेंज हुआ है, आसमान को छू रहा है और आसमान को तो छू ही रहा है गाइस। एक एक कैसे करो कि बढ़िया और झंडा आ सकता है। Hi everyone.